सर हाँ बेटे, सर हम लोग कोर्स में पहले मॉडर्न फिजिक्स करेंगे या वेव ऑप्टिक्स? पहले वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे बेटे। सर मॉडर्न फिजिक्स में काम आता है क्या वेव ऑप्टिक्स? नहीं वैसे काम तो नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने के बाद अच्छा है कि वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब सीक्वेंस के हिसाब से देखो, वैसे पता है दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट ही हैं, लेकिन तब भी क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स की जो डिस्कवरी वाला पीरियड है वो 1820 1830 वाली बात है ना। मॉडर्न फिजिक्स में जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो सब 1897 के बाद की बात पढ़ने वाले हैं, 1900 1905 की बात की बात। तो क्या है, तो ठीक रहता है, क्यों तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स पहले पढ़ना है क्या, ऐसा कुछ है क्या? देखो नहीं सर, बस पूछ रहा था कि इंटरलिंक्ड है कि नहीं। इंटरलिंक तो खैर पूरी फिजिक्स ही इंटरलिंक्ड है ना, तो वो पूरी स्टोरी के अगर हिसाब से अपन सोचते हैं टाइमलाइन, तो बेटर होता है कि वेव ऑप्टिक्स पहले पढ़े, तो टाइमलाइन के हिसाब से सही बैठता है वो, है ना। बाकी समझने के हिसाब से किसी को भी पहले समझा जा सकता ओके सर। थिंक बच्चे ने ज्वाइन किया है। बाकी जो तुम लोग के आपस के फ्रेंड्स लोग हैं उनको मैसेज कर दो पर्सनली भी, अगर कोई किसी को जानता है तो, सो दैट जल्दी से लोग ज्वाइन कर लें, फिर वी कैन स्टार्ट। अब स्टार्ट तो मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है बच्चों, डाउट्स पूछना चालू करो आप लोग, क्या डाउट्स हैं? सर वो कल का लास्ट क्वेश्चन C7। हाँ ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन था बेसिकली वो, है ना। देखो इसमें क्या था, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ भी 6 ओम का रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट की बैटरी, ये दोनों तो थे ही सही। इसके अलावा फिर क्या था, 2 माइक्रोफेरेट 4 माइक्रोफेरेट के कैपेसिटर, फिर एक रेजिस्टर 6 ओम का रेजिस्टर, और फिर उसके बाद 2 ओम 4 ओम के रेजिस्टर, और ये और नीचे अगर हम बात करें तो 2 ओम 4 ओम के रेजिस्टर नीचे भी हैं, फिर एक 6 ओम का रजिस्टर इधर लगा हुआ है,
फिर 6 माइक्रोफेरड 8 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर और लगा। अब देखो बेटे, जैसा कि मैंने बताया था, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो 6 ओम से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पर भी इन दोनों कैपेसिटर से करंट नहीं फ्लो करेगा, तो इधर से भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपका सर्किट एक तरीके से मैं क्या आ जाएगा, ये दो सेल जो कि पैरेलल में हैं और ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों रजिस्टर भी सीरीज में हो जाएंगे, तो सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 ओम। और ऊपर आपके पास 2 और 4 मिलकर के 6 ओम के रेजिस्टर बन जाएगा, तो सर्किट ऐसा हो जाएगा 6 ओम, 12 वोल्ट, 3 ओम और नीचे भी क्या है 6 ओम। अब अगर करंट की बात करें, 6 और 6 का इक्विवेलेंट 3 आ जाएगा, 3 और 3 सीरीज में है, तो करंट फ्लो करेगा 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, मतलब 2 एम्पीयर का करंट बैटरी से फ्लो करेगा, तो दोनों में 1-1 एम्पीयर का करंट डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, आप ओरिजिनल सर्किट में आ जाओ, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये 1 एम्पीयर का है और इधर भी जो करंट फ्लो कर रहा है ये 1 एम्पीयर का। अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है 2 वोल्ट का और इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है 4 वोल्ट का, तो जो 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ आ रहा है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी आएगा। और ये वाला कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेरड 4 माइक्रोफेरड 2 माइक्रोफेरड और 4 माइक्रोफेरड, तो क्या आ जाएगा चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरड कितना आ जाएगा बेटे, कैपेसिटेंस इनटू उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो कि 2 वोल्ट है, तो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज उधर आ गया। फिर ऊपर जो 4 ओम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस 4 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो ये 4 माइक्रोफेरड कैपेसिटर के अक्रॉस भी 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरड कैपेसिटर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेरड इनटू 4 वोल्ट, मतलब 16 माइक्रोकूलम का चार्ज उसके पास आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हो, 6 माइक्रोफेरड के पास कितना चार्ज आ जाएगा, उसका कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट, तो ये 12 माइक्रोकूलम का चार्ज उसके पास आ जाएगा। और 8 माइक्रोफेरड के पास कितना चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइक्रोफेरड मल्टीप्लाइड बाय 4 वोल्ट, तो यानी 32 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके पास आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। और बोलो बच्चों। और क्या डाउट्स हैं?
हाँ बच्चों अभी किया नहीं है क्या? नहीं सर, इतना अच्छे से नहीं बता रही। ओके तो ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चालू कर दें फिर। यस सर। यस सर, न्यू चैप्टर ना। ठीक है भाई। लोग स्टार्ट करते हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। वैसे इस चैप्टर में हम पढ़ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तो पढ़ेंगे एंड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये भी हम पढ़ने वाले। देखो बेटे क्या बात है कि अगर हम एक मैग्नेट को डिफाइन करें तो शुरू शुरू में लोगों को क्या हुआ, कुछ ऐसी रॉक्स मिली, कुछ ऐसे स्टोन्स मिले जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना। और अट्रैक्ट या रिपेल करते हुए जब लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया, देखो एक तो क्या था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि वो अट्रैक्ट या रिपेल एक दूसरे को करते थे, लेकिन वहां पे क्या था, पहले उनको आपस में रब करना पड़ता था, उसके बाद वो अट्रैक्ट या सर आपकी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने क्या किया बच्चों, मैग्नेटिज्म की थ्योरी को भी हाँ बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। मैग्नेटिज्म की थ्योरी को भी उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह से ही डेवलप करने की कोशिश करी, मतलब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज।
सर परमिशन दो ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्ज, तो उन्होंने कहा कि भाई मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे मैग्नेटिक पोल्स, है ना। मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन? मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, और क्योंकि दो तरह का मैग्नेटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो मैग्नेटिक पोल भी दो तरह के होंगे, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल को नॉर्थ पोल कहा गया और नेगेटिव पोल को साउथ पोल कहा गया। ठीक है, और जैसे चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है, उसी तरह से उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स is measured in terms of क्या? पोल स्ट्रेंथ। किसके टर्म्स में नापा गया? पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ का सिंबल क्या है? एम, है ना। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, और साउथ पोल की नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। देखो यहाँ जो मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल बात कह रहा हूँ, ये वो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात नहीं है, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है ना। इनको आप जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझते हो, उसी तरह से इनको भी समझो। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर मीटर। एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर। ठीक है बच्चों, अब ये पोल स्ट्रेंथ है, तो लोगों ने क्या कहा भाई, जैसे हाँ लिख लो लिख लो।
ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर। अब देखिए क्या है। जैसे वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते थे, वैसे ही यहाँ पर डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वेक्टर, इसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, इट इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, है ना। बी को हम एफ बाय एम लिखेंगे। जैसे वहां पर ई को क्या लिखते थे, एफ बाय क्यू लिखते थे ना बच्चों? यस सर। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते थे एफ बाय क्यू। तो वहां पर ई एफ होता वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू होता था, यहाँ पर ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स ऑन पोल एम हो जाएगा। एफ एम क्या है, एफ एम एस मैग्नेटिक फोर्स ऑन पोल एम। बी को क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा यहाँ पर भी क्या होगा, लाइक पोल्स मतलब पॉजिटिव एम और पॉजिटिव एम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पोल एम इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी। ये वेक्टर इक्वेशन है तो इसमें एम को हमें विद साइन ही पुट करना है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे दी जाए तो उसी डायरेक्शन में लगेगा एक नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फोर्स, है ना, नॉर्थ पोल
विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साउथ पोल विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर बी. उस पे फोर्स वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. अच्छा वेक्टर बी की एसआई यूनिट क्या होगी? आप ऐसे देखो तो न्यूटन मीटर न्यूटन पर एम्पियर मीटर न्यूटन पर एम्पियर मीटर. है ना? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है. तो न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू और एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखते हैं, मीटर को एल लिख दो तो ये क्या हो जाएगा एम ए माइनस वन माइनस टू. एम ए माइनस वन टी माइनस टू ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा ये बात समझ में आती है? यस सर. अब ये B का फॉर्मूला क्या होगा? अगर जैसे मान लो हमें कोई पोल दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक पोल दिया हुआ है, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो देखो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव पोल जो फील्ड प्रोड्यूस करता है वो अपने से अवे प्रोड्यूस करता है. जैसे पॉजिटिव पोल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा. है ना? Yes. और नेगेटिव पोल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा. और जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का वो
इसकी पोल स्ट्रेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू एम बाय आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर मॉड एम लिखना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर क्यूब इनटू आर वेक्टर, या म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट जैसे एप्साइलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम बताता था, वैक्यूम बताता था, ये म्यू नॉट क्या बताता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसको बोलते हैं परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 4 पाई इंटू 10^-7 इन SI यूनिट इसकी वैल्यू होती है। और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट होती है। ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे बतानी है कि ये जो न्यूटन पर एम्पियर मीटर है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को 1 टेस्ला भी बोल देते हैं। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को क्या बोल देते हैं बच्चों? 1 टेस्ला। ना टेस्ला SI यूनिट के बराबर होता है, और 1 टेस्ला जो होता है वो बराबर होता है 10^4 गॉस। गॉस भी एक यूनिट है। 1 टेस्ला किसके बराबर होता है बेटे? 10^4 गॉस। या उल्टा अगर अपन लिखें तो 1 गॉस किसके बराबर होता है? 10^-4 टेस्ला के बराबर। ठीक है, टेस्ला तो SI यूनिट है ही, गॉस भी एक यूनिट है। अच्छा, परमीएबिलिटी की SI यूनिट पूछ ली जाती है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता तो परमीएबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? एम एल टी माइनस 2 ए माइनस, ये आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमीएबिलिटी।
ठीक है बेटा, यस आकाश। अब देखो लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि इट वाज ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक पोल्स जो थे वो कभी भी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, है ना। मैग्नेटिक पोल्स वर ऑलवेज found to exist in nature as dipoles, that is North Pole and South Pole were found to exist together. कभी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं का मतलब क्या है? जैसे अगर मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया तो उस पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों साथ में रहेंगे बच्चों, अलग अलग नहीं कर सकते आप उनको। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, ये कैसे पता चला उन्हें? भाई उन्हें यो पता चला कि एक मोनोपोल की मैग्नेटिक फील्ड अलग तरह की होगी और एक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड अलग तरह की होगी, है ना। जैसा देखो अपन ने, अगर मैं ये साउथ और नॉर्थ की मिलाकर के मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो इन दोनों का मिलकर के क्या होगा? जैसे यहाँ पर अपन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देखें तो साउथ पोल प्रोड्यूस करेगा अपनी तरफ, नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगा अपने से अवे, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। यहाँ पर भी देखोगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो क्या देखा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एक बार मैग्नेट की वजह से वो इस तरह की होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट वर फाउंड टू बी लाइक दिस। अब ऐसी फील्ड लाइंस तो एक मोनोपोल जनरेट नहीं करता, ऐसी फील्ड लाइंस तो कौन जनरेट करेगा बच्चों? एक डाइपोल ही जनरेट करेगा, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर अंदर भी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती, तो क्या पाया गया? लोगों ने कहा कि भाई अ बार मैग्नेट विच एग्जिस्ट इन नेचर was found to behave like a dipole instead of a monopole, वो किस तरह से बिहेव करता हुआ पाया गया? डाइपोल की तरह से बिहेव करता पाया गया।
उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं अपन इसको ना तोड़ देते हैं ऐसे, इस तरह से ब्रेक कर दो आप यहाँ पे। तो जब ब्रेक किया तो क्या पाया उन्होंने कि फिर से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इसी तरह की बनती हैं। फिर से उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसी प्रकार की बनती हैं। ये बात समझ में आती है? अच्छा यस सर। तो इसका मतलब क्या है भाई, मैंने इसको आधा तोड़ दिया तब भी इस तरह की फील्ड लाइंस बन रही है, मतलब क्या है उससे? ये एक्चुअल में क्या है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बिल्कुल इंट्रिंसिक टाइप की प्रॉपर्टी है ना, वो उसको आप अलग अलग कर ही नहीं सकते। इसीलिए अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स वर ऑलवेज फाउंड टू एग्जिस्ट इन नेचर एज डाइपोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स वर नेवर फाउंड टू एग्जिस्ट सेपरेटली। सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वर फाउंड टू एग्जिस्ट, सही तो बता, एग्जिस्ट हमेशा साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, कभी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा लोगों ने, जो नेचर में मटेरियल्स एग्जिस्ट करते थे उनकी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को पता करके ये कंक्लूड किया। अच्छा अब देखो, जैसे अगर अपन ये साउथ बी ड्यू टू अ बार मैग्नेट पता करें या मैग्नेटिक डाइपोल जिसको कह सकते हो आप, ये अगर पता करें अपन, है ना, तो देखो बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन होगा जैसा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम किया करते थे। ये जो लाइन कहलाती है, ये कहलाती है एक्सिस, और परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन, है ना। अच्छा लेकिन इसमें एक चीज जरूर देखी जाती है कि अगर ये जो बार मैग्नेट है इसकी ज्योग्राफिक लेंथ है एल जी, तो ये जो डाइपोल एग्जिस्ट करना चालू करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस एल जी नहीं निकल करके आती, इनके बीच की डिस्टेंस एल जी से थोड़ी सी कम निकल करके आती, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डाइपोल। LG तो क्या है, जो फिजिकली हमें लंबाई दिखाई दे रही है, LG इज ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ डाइपोल। और LM को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ डाइपोल। और ये पाया जाता है कि अप्रोक्सीमेटली जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो 5/6 टाइम्स द ज्योग्राफिक लेंथ होती है, या यूं कहें कि ज्योग्राफिक लेंथ जो है वो मैग्नेटिक लेंथ का 1.2 टाइम्स लगभग होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते थे ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट की बात करते थे, पी पी को क्या लिखते थे, क्यू मल्टीप्लाइड बाय एल, ऐसा लिखते थे हम।
उसी तरह से यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका सिंबल होता है कैपिटल एम, या कई जगह पर म्यू भी यूज कर लेते हैं, म्यू। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये किसके बराबर होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ बिटवीन द पोल्स, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ बिटवीन द पोल्स। अब इनकी वजह से आप मान लो एक्सिस पे किसी एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता लगाना चाहते हो, तो बी एट एक्सिस का क्या मैग्नीट्यूड निकल करके आता है, 2 μ0/4π इंटू एम बाय एक्स क्यूब, और बी एट इक्वेटोरियल लाइन का क्या फॉर्मूला निकल करके आता है, ये निकल करके आता है μ0/4π इंटू एम बाय एक्स। और यहाँ पे हम ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि एक्स इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक लेंथ। ये नोट किया बच्चों सबने, देखो ये फॉर्मूले उसी तरह के निकल करके आ रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था बच्चों, 2kp/r³ ऐसा होता था ना एक्सिस yes. पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे कैसा होता था, माइनस kp/r³, या मैग्नीट्यूड की अगर सिर्फ बात करें तो वो kp/r³ होता है ना, तो जो p है p की जगह आ गया है m और k की जगह आ गया है μ0/4π, ठीक है। ये बात समझ में आती है Yes, sir. इक्वेटोरियल लाइन पर बी की क्या डायरेक्शन होगी, वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ही होगी,
और एक्सिस पर मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल लाइन पर, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एम क्या होगा? Is from north pole to south pole. Direction of vector m is from north pole to south pole. Direction of north pole hoga vector from north pole to south pole. Ye baat samajh mein aati hai bachcha? Yes sir. अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो देखो कई सारी नई फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, इनकी यूनिट्स अपने को याद रखनी है ना. यूनिट्स पे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं. पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना. और परमिएबिलिटी, ऑफ फ्री स्पेस, इसकी यूनिट क्या निकल करके आती है बच्चों? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ठीक है, ये याद रखना है बच्चों अपने को. सर थोड़ा सा ऊपर का दिखाएं. हाँ बेटा, तो सर आपने कैपिटल एम की डायरेक्शन कैसे बताई? कैपिटल एम की डायरेक्शन तो डिफाइन की गई है ना, वो मतलब कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि उससे कैपिटल एम की डायरेक्शन आई है. सर आज का जो टेस्ट है उसमें कैपेसिटेंस पूरा आएगा या फिर जो आपने कल तक मतलब पहले तक से? कैपेसिटेंस पूरा आएगा भाई आज के टेस्ट में. वो गया सर. ओके, अब देखो क्या है.
ये बेसिकली डाइपोल जो है वो इस तरह से बिहेव करेगा, है ना। अब एक मैग्नेटिक, अच्छा एक अगर मैग्नेटिक डाइपोल को हम अगर कट कर दें तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? या एक बार मैग्नेट है उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस तरह से रखे हुए हैं, है ना, उसको मैंने दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया। मान लो इसका हमें दिया हुआ है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है, इफ द बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स देन फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पार्ट। तो क्या होगा बच्चों, देखो जैसा कि अपन ने बताया था, ये क्या होता है, पूरी तरह से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे डेंसिटी होती है ना, उसी तरह से आप इसके जैसे मास होता है, मास को आप मैग्नेटिक मोमेंट की तरह से मान सकते हो, है ना। इनफैक्ट एक और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसकी मैग्नेटाइजेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एम्पियर पर मीटर। दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन सेम एज एम, है ना। और एक गिवन मैग्नेट के लिए ये कांस्टेंट होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। हाँ बेटे, देखना था एक मिनट, एक मिनट।
डन सर। मैग्नेटाइजेशन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को तुमने, कोई कॉपर का ब्लॉक है उसको तुमने हाफ कट कर दिया, तो क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी है वो तो वही रहेगी। उसी तरह से क्या है, मैग्नेटाइजेशन उसका वही रहेगा, है ना, मैग्नेटाइजेशन उसका वही रहेगा। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि वॉल्यूम हाफ हो गया है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इन द गिवन केस मैग्नेट, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम डैश, वो पुराने मैग्नेटिक मोमेंट का हाफ हो जाएगा, है ना। मैग्नेटाइजेशन रिमेन्स सेम, मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स हाफ। क्या ये बात समझ में आती बच्चों? Yes, sir. अच्छा, अगर कोई हमसे पूछे कि इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ, at the ends of the bar magnet, pole strength at the ends of bar magnet क्या हो गई है, तो ये पता लगा सकते हैं क्या? देखो, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को लिखते हैं पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना। और शुरू में जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो कितना था, इसको नई पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर सकते हैं। जो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुराना मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखेंगे, पुरानी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय पुराना लेंथ, नहीं, तो दोनों को आप डिवाइड करके देख सकते हो कि क्या निकल करके आएगा। दोनों को कंपेयर कर लो तो क्या एम डैश एम के बराबर ही निकल करके आएगा, यस सर।
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर टॉर्क की बात करें या देखो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कराता हूँ मान लो क्या है आपके पास दो बार मैग्नेट्स हैं एक का मैग्नेटिक मोमेंट है एम और दूसरे वाले का भी मैग्नेटिक मोमेंट है ठीक है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं एक्सेस दोनों की 90 डिग्री एंगल पर है ना? इनके बीच की डिस्टेंस है आर तो हमें क्या करना है आर बाई टू डिस्टेंस पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये पता Find the strength of magnetic field. At the midpoint of the line joining. Centers of the two magnets. तो बेटे देखो कैसे पता लगाएंगे ये जो लेफ्ट वाला जो मैग्नेट है ये तो इसके लिए जो मिड पॉइंट में दिखाया गया है वो तो कैसा है इसकी एक्सिस वाला पॉइंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो अपने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करेगा उसको नाम दे देता हूं बी वन और ये जो दूसरा वाला जो डाइपोल है वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो होगा कितना बी टू बी वन की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा टू टाइम्स म्यू नॉट बाय फोर पाई इनटू एम बाय आर बाय टू का क्यूब और बी टू की अगर मैं बात करूं तो वो मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा
mu naught by 4 pi into m by r by 2 ka और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात अगर रही तो क्या वो अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चे, यस सर, अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये वाली टर्म तो बाहर आ जाएगी, म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू एम बाई आर बाई टू का क्यूब और ब्रैकेट में अंदर रह जाएगा फोर प्लस वन यानी कि कितना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी रिजल्टेंट 8 जाएगा ऊपर 2 आ जाएगा तो 2 रूट 5 इंटू म्यू नॉट एम बाय आर क्यूब। सर पाई, हाँ बेटे, रूट फाइव कैसे आया भाई, टू का स्क्वायर पाई 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 नीचे पाई, सर एक बार वो बी टू टू बार मैग्नेट वाले पेज पे लिख जाएंगे सर। अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे किसकी, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और उस फील्ड स्ट्रेंथ में हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा,
और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और उसमें एक डाइपोल रखा, ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एम और ये एंगल हो जाएगा। अब देखो जैसा कि हम कहते थे कि भाई क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव पोल होता है, इधर एक नेगेटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव पोल पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स को लिख देंगे M इंटू बी, मैग्नीट्यूड को तो M इंटू बी ही लिख देंगे, तो क्या होगा, देखो नेट फोर्स तो जीरो होगा, F नेट ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड will be zero. But net torque की अगर हम बात करें तो वो non zero आएगा। In the given scenario, it will be in clockwise direction. और मैग्नीट्यूड की बात अगर मैं करूं तो वो कितना आ रहा है बेटे, एम इंटू बी, ये तो फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी मैग्नेटिक लेंथ इंटू साइन थीटा। पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लेंथ की वैल्यू को कैपिटल एम रखेंगे, इनटू बी इनटू साइन थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितना, एम क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, एम क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी सच दैट सर एम तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, साउथ से नॉर्थ, वेक्टर एम की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना बेटे, मैंने हमेशा यही बताया है।
कहाँ लिखा है नॉर्थ से साउथ? अरे इधर मैंने गलत लिखा है, सॉरी मैं यहाँ पे चेंज, इस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है? जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर, उसीलिए तो देखो क्या है, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल लैंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, सर जो स्टेटमेंट आपने चेंज किया वो वापस दिखा सकते हैं? ये वाला लास्ट पेज दिखाइए, लास्ट नोट कर लिया बच्चों ने? यस सर। मतलब क्या होगा देखो कि अगर हमने बार मैग्नेट को इस तरह से रख दिया, इधर साउथ इधर नॉर्थ पोल, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लगा दो, तो टॉर्क कैसे लगेगा इन दिस डायरेक्शन, है ना? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो वेक्टर एम को वेक्टर बी के पैरेलल करने की कोशिश अगर हमने इस तरह से रख दिया, साउथ पोल को इधर नॉर्थ पोल को इधर, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर रखा हुआ है, तो टॉर्क कैसे लगेगा? तो टॉर्क इस डायरेक्शन,
है ना, टॉर्क विल बी सच दैट वेक्टर एम बिकम्स पैरेलल टू वेक्टर बी. ये बात समझ में आती है बच्चों? यस सर. अच्छा, जैसे मान लो कि हमसे कहा जाए अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Of strength B such that vector M is parallel to vector B. If the bar magnet is rotated by a small angle theta, and then released find the time period of oscillations of the magnet. Assume that it's moment of inertia is I.
तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमने डाइपोल को बहुत थोड़ा सा एंगल से रोटेट कर दिया थीटा, तो जो टॉर्क लगेगा इस पर वो लगेगा कितना, एम बी थीटा। वैसे तो टॉर्क हमें लिखना चाहिए कितना, एम बी साइन थीटा, बट सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल हम टॉर्क को अप्रोक्सीमेटली एम बी थीटा ऐसा लिख सकते हैं। टॉर्क को लिख सकते हैं कितना बेटे, एम बी थीटा। है ना, तो जो टॉर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा सी वो बराबर हो जाएगा एम इंटू बी के, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एस एच एम ये बराबर होगा किसके, टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई सी, यानी टू पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम बी, ये टाइम पीरियड की इतनी वैल्यू। सर सी का वैल्यू हम लोगों ने टॉर्क के फॉर्मूले से ही फाइंड किया ना? हाँ बेटे, सी का वैल्यू हमने बेसिकली देखो क्या है, ये जो फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, ये कब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब अगर टॉर्क किस तरह का आ जाए, वेक्टर फॉर्म में माइनस सी थीटा के टाइप का आ जाए, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, माइनस साइन बता रहा है कि, तो जैसे यहाँ पर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो टॉर्क क्लॉकवाइज में लगेगा, है ना। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिर टॉर्क इस पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग जाता है। क्या बोल रहे हो बेटे, वेक्टर बी आपने इधर था और शुरू में वेक्टर एम आपने ऐसे रख दिया था, अब क्या है, अगर आपने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, टॉर्क इस पर इस डायरेक्शन में लगेगा,
है ना, और इस पूरे एंगल के प्रोपोर्शन में लगेगा, और इस मतलब कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा लगेगा। यहां पर थीटा इज लार्ज, ठीक है, तो साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते, साइन थीटा को आप थीटा नहीं लिख पाओगे इस केस में, है ना। और साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाओगे तो इस फॉर्मेट में टॉर्क नहीं आ पाएगा। अगर टॉर्क इस फॉर्मेट में आ पाता है तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते। थोड़े टाइम बाद तो थीटा छोटा हो जाएगा। क्या बोल रहे हो बेटे? थोड़े टाइम बाद थीटा फिर से छोटा हो जाएगा, बी के डायरेक्शन में उसे जाना होगा। मैं सब मतलब देखो ऑसिलेट करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑसिलेट करेगा, वो मतलब ऐसे जा करके वापस से इधर तक पहुंच जाएगा, है ना। इट विल ऑसिलेट, ये इधर से इधर जाएगा, फिर यहां से वापस इधर जाएगा, ऑसिलेशंस वो करता रहेगा, लेकिन हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे। वो ऑसिलेशन उतना ही एम्पलीट करेगा क्योंकि बी है, तो फिर उसे इवेंचुअली फिर बी के डायरेक्शन में थोड़ा ऑसिलेट करना पड़ेगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन जैसे हो जाएगा। नहीं, क्या होगा, वो हमेशा उतने ही एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशंस करता रहेगा, क्योंकि देखो एनर्जी में अगर लॉस नहीं हो रहा है तो वो हमेशा उतने ही ऑसिलेशंस का, उतने ही एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करता जाएगा। और एनर्जी में तो भाई अंटिल अनलेस हमें कोई स्पेसिफिकली ना कहा जाए कि भाई यहाँ से हीट डिसिपेट हो रही है या ये कोई फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट है, तब तक अपन जो है वो उसको मानेंगे कि एनर्जी कंजर्व ही है ना, कहीं पर डिसिपेशन नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आती है? यस सर। और देखो जैसे इसमें कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है ना, उसको जब हम एक्सटर्नल व्हेन इट परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। द मैग्नेट इज कट इंटू थ्री
इक्वल पार्ट्स इज कट इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स एंड दोज पार्ट्स आर अरेंज्ड वन ओवर अनादर then find the time period of the resultant system. मतलब हमने इस तरह से कट किया है बच्चों इसको, है ना? तो देखो इनिशियली तो टाइम पीरियड को हम 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम बी ऐसा लिख देते हैं। इक्वल पार्ट में कट करने के बाद क्या होगा बच्चों? एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक मोमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कैन आई राइट मैग्नेटिक मोमेंट स्टिल एज द सेम? यस सर। है ना, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो वही रहा है ना, तो अल्टीमेटली क्या है मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम रहेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करें? वन थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर आप बात करोगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस के प्रोपोर्शनल होता है? मास के और लेंथ के स्क्वायर के, है ना? तो एक तरीके से मास में तो कोई चेंज नहीं आया लेकिन लेंथ वन थर्ड हो गई है, ठीक है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुराने वाले का 1/9 हो जाएगा? यस। है ना,
टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड को लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट आई डैश डिवाइडेड बाय एम डैश बी, यानी नया टाइम पीरियड जो होगा वो पुराने टाइम पीरियड का 1/3 आ जाएगा बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस हमारे सामने बनते हैं। एक बात और इसमें हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी of magnetic dipole in uniform magnetic field। देखो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिखते हैं माइनस एम डॉट बी, और यहां पर हमने क्या माना है फॉर दिस फॉर्मूला वी हैव अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी at angle 90 degree between vector m and हाँ बोलो बेटे बोलो भाई कुछ नहीं सर। नाइन्टी डिग्री एंगल पर हमने क्या माना है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, है ना। ये इस फॉर्मूले को हमने पी डॉट ई के तरह से ही समझ के इसको लिखा है, है ना। बेसिकली ये फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया है, देखो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन क्या होता है इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड from reference position to position r। negative of work done by conservative field from reference position to position r।
ऊपर आ जाओ, ऊपर तीन यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब इस पोजीशन से मान लो हमें थीटा पोजीशन तक लेकर के जाना है और वो लेके जाने में कितना कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा वो अगर हम लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, किसी जनरल थीटा एंगल पे जो फोर्स टॉर्क लगेगा वो लगेगा एम बी साइन थीटा, और टाउ डी थीटा अगर हम कर दें तो ये कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो जाएगा फॉर डी थीटा डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो पाई बाय टू से लेकर के थीटा तक, तो ये वर्क डन आ जाएगा बाई एक्सटर्नल एजेंट, और यही पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा कहलाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा कितना आ जाएगा, एम बी ये इंटीग्रेशन के बाहर आया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा पाई बाय टू से थीटा तक करना है माइनस एम बी, अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस थीटा, लोअर लिमिट रखेंगे तो पाई बाय टू। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थीटा को लिखेंगे माइनस ऑफ वेक्टर एम डॉट वेक्टर ये बात सुनने आती है। इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जब जाएगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी किसी मैग्नेटिक डाइपोल के पास आ जाएगी, बार मैग्नेट के पास आ जाएगी, वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब क्या है, हमसे कहा जाए कि बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज rotated in an external magnetic field of strength B. Without any change in kinetic energy from position zero degree to 180 degree. Calculate work done by the external force.
तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिखोगे आप, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा एम बी प्लस एम बी यानी कि 2m, ऐसा वर्क डन आ जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? यस यस ओके। उसी तरह से मान लो हमसे कहा जाए कि a bar magnet having mass m, length l, and magnetic moment mu is released from rest find the angular speed acquired by the magnet when it becomes parallel to, yeah, find the maximum angular speed, find the maximum angular speed acquired कैसे करेंगे बच्चों इसको, try करो 2 मिनट।
क्या आया बच्चों? देखो बेसिकली ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, 60 डिग्री एंगल से हमने इसको रिलीज किया, टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, लगातार इस डायरेक्शन में टॉर्क लगता जाएगा, इस पोजीशन तक आते आते कुछ एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करता रहेगा। यहाँ पे टॉर्क तो जीरो लेगा, लेकिन बाय दिस टाइम इट वुड हैव एक्वायर्ड सर्टेन ओमेगा, तो ये दूसरी तरफ जाएगा। जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, तो ओमेगा इसकी कम होने लग जाएगी, तो क्या होगा फाइनली जाकर के इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इसके तो अब हम क्या करें, कंजर्व एनर्जी, फ्रॉम 60 डिग्री टू 0 डिग्री। तो 60 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस एम बी कॉस 60 डिग्री, और माइनस एम बी कॉस 60 डिग्री, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब ये जीरो डिग्री पे हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, और वहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 आएगा बच्चों। सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही ये रोटेट होगा, ध्यान दो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। मतलब रॉड विल रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा माइनस एम बी बाई टू हाफ एम एल स्क्वायर बाय 12 इनटू इक्वल टू माइनस एम बी प्लस एम एल स्क्वायर बाय 24 इनटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू लेने बोला है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू बी बाय टू इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 24 ओमेगा स्क्वायर, तो ये 12 आ जाता है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 12 म्यू बी डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर, ये ऐसी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और यही वाली ओमेगा मैक्सिमम होगी है ना। थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री वाली जो पोजीशन होती है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली पोजीशन होती है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। एट थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है।
और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। सर वो काइनेटिक एनर्जी का आपने इक्वेशन कैसे लिखा हुआ बता सकते हो? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला मैंने यूज किया बेटे, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है ना सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, है ना, इस तरह की एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय 12 इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि एक फ्री बार मैग्नेट विल रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। In uniform magnetic field, ठीक है बच्चों। ठीक है भाई, बाकी जो है फिर हम वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना? यस ओके। अच्छा तुम लोग लेकिन वो कैपेसिटेंस की शीट कंप्लीट करो भाई, बिना शीट किए मजा नहीं आएगा तुमको, समझ में भूल जाओगे जल्दी से, ठीक है? तो अगली क्लास में कोई कुछ भी कहे मैं पूरी कैपेसिटेंस की शीट डिस्कस करूंगा, मतलब एक्सरसाइज एक्सरसाइज वन पूरी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? एक्सरसाइज वन ओके, तो वो कंप्लीट करके लाना, वरना क्या है टाइम वेस्ट होगा बच्चों तुम लोग का, ठीक है? Yes, sir. Okay. Yes, sir.